हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड। बट अभी शाम का 5 बजा हुआ है और आज दिन है मंगलवार, तो मैं अपनी अभी शाम की चाय बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पानी चढ़ा दिया है, मैं डाल रही पत्ती और मैं बना रही मसाला टी। तो यहाँ मैंने डाला है अदरक, 2 लौंग और 1 हरी इलायची। ये मैंने कूट लिया है, अब मैं इसे चाय में डाल दूँगी। चाय में उबाल आ रही है इस तरीके से, अपनी मैं चाय छान लूँगी। मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है। और फ्रेंड, हम चाय में डालते हैं ना अदरक और लौंग, बहुत अच्छी लगती है, इससे हमारी चाय बहुत टेस्टी बनती है, अच्छा सा फ्लेवर आता है चाय में हमारी में। और फ्रेंड, शाम का टाइम हो और चाय ना मिले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, भले कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पर चाय बहुत अच्छी लगती है शाम को, थोड़ा सा एक एनर्जी फील होती है चाय पीने के बाद। तो मैं चाय छान लूँगी मैं अपनी, बस अब मैं अब चाय को मैं लेके जाऊँगी, अब हम चाय पियेंगे। गर्म हमारी चाय तैयार है, गर्मा गर्म। तो फ्रेंड, फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ इवनिंग स्नैक्स की। तो फ्रेंड, यहाँ बना रही हूँ आज मैं पनीर बर्गर। इसके लिए मैंने 1/2 कप मैदा ली है, 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर। और फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है पनीर बर्गर की, आप इवनिंग में या मॉर्निंग में कभी भी खा सकते हैं। डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी मैंने डाला है, डाले हैं चिली फ्लेक्स, और डाला है 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस, और डाला है थोड़ा चाट मसाला, और डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, और डाला मैं थोड़ा सा सॉल्ट। इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, हमें ऐसा ही पेस्ट बनाकर तैयार करना है, और पतला नहीं बहुत गाढ़ा नहीं, मैं हल बीच का बनाना है, इससे हमारा पनीर इसमें अच्छे डिप हो जाए। ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बनाना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं है। तो ये मैं घोल बनाकर तैयार कर लिया, इसे उठा के अलग रख लेंगे। अब मैं अपने पनीर काट लूँगी। तो फ्रेंड, आप बना रही हूँ पनीर बर्गर, तो उसके लिए थोड़े मोटे मोटे स्लाइस ही पनीर के काटे जाएंगे, क्योंकि मैं पनीर को अच्छे से फ्राई करना है, अगर पतले काटेंगे तो वो पनीर टूट जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ 4 बर्गर। इस तरीके से मैंने 4 पीस कर लिए हैं पनीर के, मोटे मोटे पनीर। यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम पनीर। अब मैं क्या करूँगी, इस होल में पनीर को अच्छे से डिप करूँगी। हमें बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है, पतली लेयर बनानी है। अब मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, तो मैंने मिक्सी में ब्रेड को पीस लिया था, उसके क्रम्स बन गए हैं। मैं सारे बना के तैयार कर लिए यहाँ पे अपने पनीर पेटीज, अब मैं इनको तल लूँगी। और फ्रेंड, थोड़ा कढ़ाई में थोड़ा ऑयल कम डालें, क्योंकि हमारा ये तेल बेकार हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्स झड़ जाते हैं। तो और हमेशा से फुल फ्लेम पर ही सेकें, स्लो पर पनीर बिल्कुल भी नहीं सेकना चाहिए, हमारा पनीर बहुत चुई हो जाता है इस तरीके से। तो मैंने फुल पर सेका है, हमारा पनीर इनका तैयार। अब मैं इसके लिए काट लूँगी वेजिटेबल्स। जब मैंने खीरा लिया है, प्याज ली है, इस तरीके से मैं काट लूँगी बहुत बारीक बारीक सा। और मैं टमाटर इसको पतला पतला काट लूँगी, देखिए अब मैं इस तरीके पतले पतले पीस काटे हैं। अब मैं अपना बर्गर बन लिया है, उसको मैं हल्का सा सेक लूँगी तवे पर, इस तरीके से बीच में से काट लेंगे बर्गर को अपने। और मैं यहाँ तवे पे ऐसे सेक लूँगी, मैंने यहाँ बटर यूज़ नहीं किया, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मैं सेकना है, हल्का सा सेकना है बस। यहाँ मैंने मेयोनीज ली है, मैं डाला है टमाटो सॉस, ये हम एक सॉस तैयार कर रहे हैं बर्गर के लिए। तो ये मैंने डाला है दोनों चीज़, इसको आप कितना भी ऑरेंज कर सकते हैं, मैंने लाइट ऑरेंज किया, आप डार्क ऑरेंज भी कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा सॉस मिला के, इस तरीके से मैंने ऑरेंज कलर इसका आ गया है। देखिए हमारे बर्गर मन भी सिक गए हैं, आपको दिखाती हूँ, हमें हल्का सेकना है बस, हमें सेकना से एक साइड ही है, इस तरीके से हल्का सा लाल हो जाए बस। तो हमारा बन भी सिक कर तैयार हो गया, वैसे असेंबल कर लेंगे अपने बर्गर को। तो यहाँ मैं लगाया है ग्रीन चटनी, ऊपर से मैं लगाया है पनीर पेटीज, अब मैं उसे यहाँ खीरा लगा दूँगी। और फ्रेंड, ये स्नैक बहुत जल्दी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, तो आप किटी पार्टी या नॉर्मल पार्टी में भी इसे बना के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम भी नहीं लगता है, पनीर होना चाहिए घर में बस। और ये मैंने असेंबल कर लिया, टमाटो भी लगा ली ऊपर से, अब जो मैंने अभी सॉस बना के तैयार किया था ना मेयोनीज जो सॉस से, मैं वो लगा लूँगी। और मेरे टॉप पर लगाते हैं जो होता है बर्गर का टॉप, उसमें हम लगाते हैं सॉस, इस तरीके से मैंने लगा लिया है।
और फ्रेंड ये बहुत इजी वाला बर्गर है, इस तरीके से मैं दबा के देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये बहुत इजी बर्गर है, आप कभी बना सकते हैं पनीर वाला। आलू वाला थोड़ा टाइम लगता है बनाने में उसमें, और ये बनकर तैयार है फ्रेंड। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो फिर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, और मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।